हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट वन। मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे किसी भी एग्जाम में। और जो हमारे अभी AKTU एग्जाम होने वाले हैं, जिनमें हमारे MCQ क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सेम उसी पैटर्न पर ही हमने अपनी सीरीज तैयार की है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा किस उस वीडियो का पार्ट उस सीरीज का पार्ट वन। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा द परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय ओशन इज अबाउट। ऑप्शन नंबर ए 31%, ऑप्शन नंबर बी 51, सी 71 या ऑप्शन नंबर डी 97। जैसे हम जानते हैं, इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 71%। अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड दैट इज सेलीन इज अबाउट। ऑप्शन नंबर ए 71, बी 33, सी 67 या डी 97। तो हम जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, डी 97। यानी पूरे वर्ल्ड का जितना भी पानी है, उसमें से 97% पानी कैसा है, खारा है। अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म इज अबाउट ए 30%, बी 70, सी 11 या डी 51%। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसका आंसर होने वाला है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा 30%। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ कैचमेंट हैज एन एरिया ऑफ 150 हेक्टर एंड अ रन ऑफ रेनफॉल रेशियो ऑफ 0.40 इफ ड्यू टू अ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल ओवर द कैचमेंट अ स्ट्रीम फ्लो एट द कैचमेंट आउटलेट लास्ट फॉर 10 आवर्स। द एवरेज स्ट्रीम फ्लो इन द पीरियड इज ऑप्शन नंबर ए 1.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 16.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर क्यूब पर मिनट या ऑप्शन नंबर डी 6×10⁴ मीटर क्यूब पर आवर। अब दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रखा है हमें कि 150 हेक्टर का एक एरिया दे रखा है, कैचमेंट एरिया, रन ऑफ और रेनफॉल को रेशियो दे रखा है 0.40। बोल रखा है बारिश कितनी हुई है, 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। तो हमें क्या निकालना है, सीधी सी बात है, हमें इस क्वेश्चन में डिस्चार्ज निकालना है। और बारिश कितनी देर के लिए हुई है, बारिश हुई है हमारी 10 घंटे के लिए। यानी बारिश जो फ्लो हुआ है हमारे उसमें, वो रिवर में, वो कितनी देर के लिए हुआ है, 10 घंटे के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्चार्ज निकालना है। ठीक, अभी हम कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूले, जो कि है, पहला फॉर्मूला आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्लो इक्वल टू एरिया ऑफ कैचमेंट इनटू रन ऑफ। ठीक, अगला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्लो का, हमें एक और फॉर्मूला पता है, जो कि हमारा डिस्चार्ज इंटू टाइम ऊपर से आया एरिया ऑफ कैचमेंट इंटू रन ऑफ, रन ऑफ ऑफ ऑन रेनफॉल का रेशियो दे रखा है हमें कितना 0.40। यहाँ से हम रेनफॉल को इधर ले जाएंगे तो फॉर्मूला मिलेगा रन ऑफ इक्वल टू 0.40 इंटू रेनफॉल इक्वल टू, अब हमने क्या किया, यहाँ पर रेनफॉल की वैल्यू पुट कर दी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें रन ऑफ की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर वैल्यू हमें मिल गई है, सारी वैल्यूज को इस वाले दूसरे वाले फॉर्मूले में डिस्चार्ज इंटू टाइम इक्वल टू एरिया ऑफ कैचमेंट इंटू रन ऑफ में पुट करेंगे। तो डिस्चार्ज इंटू 10 क्या है दोस्तों, टाइम, ये कितना दे रखा है हमें 10 घंटे, इक्वल टू 150×10⁴ क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ कैचमेंट जो हमें दे रखा है वो हेक्टर में दे रखा है, उसे हमने किसमें चेंज किया, मीटर स्क्वायर में। तो 150×10⁴ × 4×10⁴-2, यहाँ पे हमें रन ऑफ की वैल्यू किसमें मिली, सेंटीमीटर में, इसे भी हमने चेंज किया किसमें, अपना मीटर में। ठीक, यहाँ से डिस्चार्ज की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगी, 6×10�³ मीटर क्यूब पर आर। और जैसा कि देख सकते हैं, हमारे इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन है बट यहाँ पर पावर क्या है, 10⁴, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, डिस्चार्ज को अब हमने अपने टाइम को किसमें चेंज करने वाले हैं, मिनट में। तो डिस्चार्ज इंटू 10×60 दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, 10 आवर्स था, इसे हमने चेंज किस में कर लिया, मिनट में, इक्व टू 150×10⁴ × 10⁴-4, सेम ऊपर वाला ही है। यहाँ से डिस्चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 100 मीटर क्यूब पर मिनट। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 100 मीटर क्यूब पर मिनट, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है अ कैचमेंट ऑफ एरिया 120 किलोमीटर स्क्वायर हैज 3 डिस्टिंक्ट जोन एज बिलो। जोन ए बी सी दे रखे हैं, तीनों का एरिया दे रखा है 61, 31, 20, एनुअल रन ऑफ दे रखा है 52, 42, 32। तो हमसे पूछा गया है कि एनुअल रन ऑफ क्या होने वाला है पूरे कैचमेंट का, हमें पता है कैचमेंट का एरिया कितना है 120 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों, इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको एनुअल रेनफॉर्म निकालना है पूरे कैचमेंट का, एनुअल रन ऑफ निकालना है पूरे कैचमेंट का, तो क्या करते हैं उसके लिए हम, एरिया ऑफ जोन ए इंटू एनुअल रन ऑफ ऑफ जोन ए प्लस एरिया ऑफ जोन बी इंटू एनुअल रन ऑफ ऑफ जोन बी प्लस एरिया ऑफ जोन सी इंटू एनुअल रन ऑफ ऑफ जोन सी अपॉन एरिया ऑफ कैचमेंट, जो कितना दे रखा है हमें 120 किलोमीटर स्क्वायर।
मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका भी सॉल्यूशन कर रखा है हमने। तो एन एल एन ऑफ इक्वल टू 61 इंटू 52 प्लस 39 इंटू 42 प्लस 20 इंटू 32 अपॉन एरिया ऑफ कैचमेंट 120। सॉल्व करेंगे वैल्यू मिलेगी 45.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो जैसा कि हम देख सकते हैं 45.4 सेंटीमीटर क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल द एवरेज रेसिडेंस टाइम ऑफ वाटर इन द ग्लोबल। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर इज लार्जर लार्जर देन दैट इन द ग्लोबल रिवर्स। ऑप्शन नंबर बी, ओशियंस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्लोबल ग्राउंड वाटर। ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स इज लार्जर देन दैट ऑफ ग्लोबल ग्राउंड वाटर। ऑप्शन नंबर डी, ओशियंस इज लार्जर देन दैट ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर। दोस्तों पता होना चाहिए आपको इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि है ओशियंस इज लार्जर देन दैट ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर। मैं बता दूं आपको ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो हमारे ए के टू एग्जाम होने वाले हैं एमसीक्यू पैटर्न पे। ठीक, और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड। ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी बैक टू सी अगेन। ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम स्नो मेल्ट इन द माउंटेन्स टू सी। ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड एंड बैक टू सी अगेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारी वो साइकिल है जिसमें क्या होता है, जो हमारा मॉइस्चर होता है वो लैंड से सी में ट्रांसफर होता है और दोबारा सी से लैंड की तरफ आ जाता है। ठीक, या हम उल्टा कह सकते हैं, पहले सी की तरफ, सी से लैंड की तरफ पानी जाएगा, फिर लैंड से सी में पानी दोबारा आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन जो कि है द हाइड्रोलॉजिक साइकिल स्टेट्स दैट। ऑप्शन नंबर ए, टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर बी, सब सरफेस इनफ्लो इक्वल्स टू सब सरफेस आउटफ्लो। ऑप्शन नंबर सी, इनफ्लो इनटू बेसन इक्वल्स टू आउटफ्लो फ्रॉम द बेसन। ऑप्शन नंबर डी, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल्स टू चेंज इन मास स्टोरेज। तो मैं पता है इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी जो कि है मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल्स टू चेंज इन मास स्टोरेज। अगला क्वेश्चन, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन अकर्स ड्यू टू एयर मासेस बीइंग लिफ्टेड टू हायर एल्टीट्यूड्स बाय। ऑप्शन नंबर ए, द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ एयर मासेस। ऑप्शन नंबर बी, आ फ्रंटल एक्शन। ऑप्शन नंबर सी, द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर। या ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो याद रखिए इसका आंसर क्या है, इसका नंबर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि है द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर। आपको पता होगा ऑरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, यह हमारा क्या हुआ, यह हमारा एक मान लीजिए कोई माउंटेन आया, इधर से बादल आए, इधर से बादल इधर आए, और इस पहाड़ की होने की वजह से क्या हुआ, यहीं रुक गया और यहाँ क्या हुई, यहाँ बारिश हो गई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है द एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर द होल ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एज। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा 119 सेंटीमीटर। आपको याद होना चाहिए वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज। ऑप्शन नंबर ए, लीस्ट इन रीजन ऑफ स्केंटी रेनफॉल, लार्जेस्ट इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। ऑप्शन नंबर सी, लीस्ट इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। या ऑप्शन नंबर डी, लार्जेस्ट इन कोस्टल एरियाज। तो वेरिएबिलिटी जो होती है एनुअल रेनफॉल में वो क्या होती है दोस्तों, सबसे कम होती है किसमें, हाई रेनफॉल वाले रीजन में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है द स्टैंडर्ड साइमंस टाइप रेन गॉज हैज अ कलेक्टिंग एरिया ऑफ डायमीटर। मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए 12.7 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 5.08 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 25.4 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 12.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये तो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज अडॉप्टेड इन इंडिया इज ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, वेइंग बकेट टाइप। ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल साइफन टाइप। ऑप्शन नंबर सी, टिपिंग बकेट टाइप। या ऑप्शन नंबर डी, टेलीमेट्री टाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा नेचुरल साइफन टाइप। बात अगला क्वेश्चन जो कि है द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग रेन गॉजेस डज नॉट प्रोड्यूस द मास कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन एज रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए, साइमन रेन गॉज। बी, टिपिंग बकेट टाइप रेन गॉज। ऑप्शन नंबर सी, वेइंग बकेट टाइप गॉज। ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल साइफन गॉज। तो इसका आंसर हो जाता है क्या, ऑप्शन नंबर बी जो कि है टिपिंग बकेट टाइप गॉज। अगला क्वेश्चन,
When specific information about the density of rainfall is not available, the water equivalent of snowfall is taken as. याद रखिए इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा 10%। ठीक, द मंथली रेनफॉल एट अ प्लेस ए ड्यूरिंग सितंबर 1982 वाज रिकॉर्डेड एज 55 mm अबव नॉर्मल। हियर द नॉर्मल मींस, तो नॉर्मल का मीन क्या है, ऑप्शन नंबर, और चार ऑप्शन दे रखे हैं। द रेनफॉल इन द सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर, ऑप्शन नंबर बी। द रेनफॉल दैट वॉज नॉर्मली एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवियस मंथ डाटा, ऑप्शन नंबर सी। द एवरेज रेनफॉल कंप्यूटेड फ्रॉम पास्ट 12 मंथ रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी। द एवरेज मंथली रेनफॉल फॉर सेप्टेम्बर कंप्यूटेड फ्रॉम स्पेसिफिक 30 ईयर्स ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे नॉर्मल का क्या मीन होगा दोस्तों, नॉर्मल का मीन होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कि द एवरेज मंथ रेनफॉल फॉर सेप्टेम्बर कंप्यूटेड फॉर स्पेसिफिक 30 ईयर ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द डबल मास कर्व टेक्निक इज अडॉप्टेड टू, ऑप्शन नंबर ए चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गॉज रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी टू फाइंड द एवरेज रेनफॉल ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी टू फाइंड द नंबर ऑफ रेन गॉज इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी टू एस्टिमेट द मिसिंग डाटा। तो जो डबल मास कर्व टेक्निक हम यूज करते हैं किस लिए करते हैं, रेन गॉज की कंसिस्टेंसी को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गॉज रिकॉर्ड हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज अ प्लॉट ऑफ, द मास कर्व ऑफ अ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज अ प्लॉट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए रेनफॉल डेप्थ फॉर वेरियस इक्वल ड्यूरेशंस प्लॉटेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी एक्यूमुलेटेड रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, ऑप्शन नंबर डी एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मास्कर रेनफॉल क्या दोस्तों, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि है एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, द प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में जो कर्व बनता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं हाइड्रोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ, सेम वही क्वेश्चन जो ऊपर है, क्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, रेनफॉल डेप्थ वर्सेस ड्यूरेशन या डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था, जो रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में कर्व बनेगा वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा हाइड्रोग्राफ। ठीक, अगला क्वेश्चन, द थीजन पॉलीगन इज, ऑप्शन नंबर ए पॉलीगन ओपन बाय जोनिंग एडजॉइनिंग रेन गॉज स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी अ रिप्रेजेंटेटिव एरिया यूज फॉर वेइंग द ऑब्जर्व्ड स्टेशन प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन नंबर सी एन एरिया यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेप्थ एरिया कर्व, ऑप्शन नंबर डी द डिस्क्रिप्टिव टर्म ऑफ द शेप ऑफ अ हाइड्रोग्राफ। जैसा कि हम जानते हैं थीजन पॉलीगन में क्या करते हैं, हम एरिया यूज करते हैं, एक गॉज रखते हैं और पूरे एरिया का हम इसमें मेजर करते हैं कि भाई इस गॉज में जो प्रेसिपिटेशन, इस एरिया में जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो हम उस गॉज से मेजर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन, एंड आइसोहेथ इज अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग, ऑप्शन नंबर ए इक्वल इवेपोरेशन वैल्यू, बी इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी इक्वल हाइट अबव द एमएसएलए, ऑप्शन नंबर डी इक्वल रेनफॉल डेप्थ इन गिवन ड्यूरेशन। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि इक्वल रेनफॉल डेप्थ इन गिवन ड्यूरेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन, फॉर ए गिवन स्टॉर्म द हाइएस्ट रेनफॉल पी नॉट एंड द एवरेज रेनफॉल डेप्थ पी बार आर रिलेटेड एज पी बार अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, ऑप्शन नंबर ए के एक्सपोनेंशियल ए रेज़ टू पावर एन, ऑप्शन नंबर बी एक्सपोनेंशियल के ए रेज़ टू पावर एन, ऑप्शन नंबर सी के रेज़ टू पावर माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टेंट। इसका आंसर क्या होने वाला है, बी एक्सपोनेंशियल माइनस के ए रेज़ टू पावर एन। ठीक, अगला क्वेश्चन, बाय डी डी एनालिसिस द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ओवर एन एरिया ऑफ 10^4 km² ड्यू टू वन डे स्टॉर्म इज फाउंड टू 47 cm। For the same area, the maximum average depth for a 3-day storm can be expected to be. अब इस क्वेश्चन को समझिएगा भाई, हमने एनालिसिस तो किया, फिर हमने देखा भाई कि एक एरिया में अगर एक घंटे बाद अगर एक दिन बारिश होती है तो उसकी वजह से जो हमें वाटर की डेप्थ मिलती है वो कितनी मिलती है, 47 cm। अगर सेम इसी एरिया में अगर 3 दिन तक बारिश हो तो वाटर की डेप्थ जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 47 cm ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। सीधी सी बात है भाई, एक दिन बारिश हुई तो 47 cm हमें पानी की डेप्थ मिली, अगर यही बारिश 3 दिन के लिए हो जाएगी तो 47 cm से हमें डेप्थ क्या हो रही,
ज्यादा मिलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबल मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर अ कैचमेंट इज गिवन बाय द रिलेशन पीएमपी। पीएमपी हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा जो कि है पी बार प्लस के सिग्मा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन, थर्मोहाइड्रोग्राफ्स गिव्स अ कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ ऑप्शन नंबर ए डिस्चार्ज ऑन ए थर्मल सेंसिटिव पेपर, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर डी सोलर रेडिएशन एंड विंड वेलोसिटी। तो जो थर्मोहाइड्रोग्राफ होते हैं हमारे, वो किसकी रिकॉर्डिंग देते हैं दोस्तों, वो देते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए पायरी हेल्यूमीटर्स, ऑप्शन नंबर बी सनसाइन रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी साइक्रोमीटर्स। तो हम जानते हैं इसका क्या आंसर, इसका है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि है पायरो हेल्यूमीटर्स। ठीक, अगला क्वेश्चन आता हमारा, द रेनफॉल विद एन इंटेंसिटी ऑफ 5 mm पर आर इज क्लासिफाइड एज, ऑप्शन नंबर ए ट्रेसिस, बी लाइट रेन, सी मॉडरेट रेन, या डी हैवी रेन। याद रखिएगा, अगर जब भी रेनफॉल इंटेंसिटी हमारे 2.5 mm से कम है तो क्या कहलाती है, लाइट रेन, और 2.5 से 7.5 mm के mm पर आर के बीच में तो वो कहलाती है मॉडरेट रेन, और 7.5 mm पर आर से ज्यादा है तो वो कहलाती है हैवी रेन। तो ये क्या है दोस्तों, ये दे रखा है 5, तो हम जान सकते हैं ये किसमें आएगा हमारा मॉडरेट रेन में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता अगला क्वेश्चन जो कि है, अ प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ साइज लेस देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर आर इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए रेन, ऑप्शन नंबर बी स्लीट, या ऑप्शन नंबर सी हेल, या ऑप्शन नंबर ड्रिजल। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी जो कि ड्रिजल। ठीक दोस्तों, अब आता अगला क्वेश्चन जो कि है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज चेंज ओवर द साइमंस गॉज टू फाइबर ग्लास रेन गॉजेस ऑफ टू साइजेस, द कलेक्टेड एरियाज ऑफ दीज गॉजेस आर, ऑप्शन नंबर ए 1000 cm² एंड 500 cm², ऑप्शन नंबर बी 400 cm² एंड 20 cm², ऑप्शन नंबर सी 200 cm² एंड 100 cm², या ऑप्शन नंबर डी 100 cm² एंड 50 cm². दोस्तों याद रखिएगा, जो कलेक्टेड एरियाज हैं हमारे वो क्या होने वाले, वो होते हैं हमारे 200 cm² एंड 100 cm². तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, इन इंस्टॉलिंग अ रेन गॉज नेटवर्क द रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड दैट, ऑप्शन नंबर ए द डेंसिटी ऑफ गॉजेस शुड बी मोर इन प्लेन देन इन हिल्स, ऑप्शन नंबर बी इन रीजन हैविंग एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 1000 meters एटलीस्ट 1 station पर 120 km² इज डिजायर्ड, ऑप्शन नंबर सी एटलीस्ट 50% ऑफ रेंज गॉज स्टेशन शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप, या ऑप्शन नंबर डी एटलीस्ट 10% ऑफ रेंज गॉज स्टेशन शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, आपको आप जितने भी रेन गॉज लगा रहे हैं उसमें से 10% आपके कैसे होने चाहिए, रिकॉर्डिंग टाइप होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, इफ पी इज द प्रेसिपिटेशन, A is the area represented by a rain gauge and N is the number of rain gauges in a catchment area, then the weighted mean rainfall is sigma AP cube upon sigma A square, B sigma A into P upon N, या option number C sigma AP upon sigma A, या option number D sigma AP 5 upon sigma A cube। तो इसका आंसर क्या होने वाला, option number C जो कि हमारा correct answer हो जाएगा इस question का। ये formula मैंने आपको पहले बताया भी है। मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉज्ड अमाउंट बाय अर्थ, ऑप्शन नंबर ए अर्थिंगवेल मीन मेथड, बी थीजन मेथड, ऑप्शन नंबर सी लीनियरली इंटरपोलेटेड आइसोहेथल मेथड, ऑप्शन नंबर डी ऑरियोग्राफिकली वेटेड आइसोहेथल मेथड। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा ऑरियोग्राफिकली वेटेड आइसोहेथल मेथड। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एरिडिटी इंडेक्स। अब एरिडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है हमारा एरिडिटी इंडेक्स इक्वल टू पीटी माइनस अपॉन पीटी माइनस एटी अपॉन पीटी इनटू 100, जिसमें पीटी क्या है दोस्तों, ये हमारा पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपरेशन जहाँ दे रखा है हमने, एटी क्या है दोस्तों, ये हमारा एक्चुअल इवेपो ट्रांसपरेशन। एरिडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपरेशन माइनस एक्चुअल इवेपो ट्रांसपरेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपरेशन इनटू 100। अतः अगला क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन? फ्रंटल स्टॉर्म, इरमा स्टॉर्म, ओरियोग्राफिक स्टॉर्म या कॉन्टिनेंटल स्टॉर्म? तो याद रखिए मेजर टाइप स्टॉर्म, जो मेजर टाइप स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन नहीं है वो क्या है? कॉन्टिनेंटल स्टॉर्म। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाद अगला क्वेश्चन जो कि है, द लीस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग मीन डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज? ऑप्शन नंबर थीजन पॉलीगन मेथड, आइसोहेड्रल मेथड या अर्थमेटिकल मीन मेथड या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थमेटिकल मीन मेथड, जो सबसे कम एक्यूरेट मेथड है हमारा जब हम मीन डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालते हैं तो वो क्या है? वो अर्थमेटिक मीन मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, आइसोबार इज अ लाइन विच जॉइन द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमोस्फेरिक प्रेशर? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी जो कि है एटमोस्फेरिक प्रेशर। विच इज द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग, स्नो, स्लीट, रेन, हेल? तो इसका नंबर क्या? इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी रेन। अगला क्वेश्चन, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय? ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, बी वेरिएंस अपॉन मीन इनटू 100, सी मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 या डी मीन अपॉन वेरिएंस इनटू 100? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। कोफिशियंट वेरिएशन क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। बात अगला क्वेश्चन जो कि है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द नंबर ऑफ रेंज और स्टेशन फॉर एन एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर स्क्वायर इन प्लेन शुड बी? तो इसका ऑप्शन है, इसको सॉल्यूशन पहले से एक बात बता दूं, हम 520 किलोमीटर के लिए, कितने के लिए? 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितने रेन गेज इस्तेमाल करते हैं? एक, किसमें? प्लेन में। तो यहाँ कितना है? 5200। तो इसके लिए हम कितने यूज करेंगे? सीधी सी बात है, 10 इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, एन एंटी साइक्लोन इज? ऑप्शन नंबर ए लो प्रेशर सिस्टम विद क्लॉकवाइज विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी हाई प्रेशर सिस्टम विद क्लॉकवाइज विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन नंबर सी अ लो प्रेशर सिस्टम विद एंटी क्लॉकवाइज विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या ऑप्शन नंबर डी अ हाई प्रेशर सिस्टम विद एंटी क्लॉकवाइज विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? याद रखिएगा एंटी साइक्लोन क्या होता है? ये हमारा हाई प्रेशर सिस्टम होता है, किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर लो प्रेशर सिस्टम बोल रखा हो और एंटी क्लॉकवाइज विंड डायरेक्शन बोल रखा हो, किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है हमारा साइक्लोन। ये और हमें पूछा गया क्या एंटी साइक्लोन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अ हाई प्रेशर सिस्टम विद क्लॉकवाइज विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमें दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन लिस्ट टू, और हमें क्या करना है? बताना है कौन सी चीज किससे रिलेट करती है। तो हमें लिस्ट वन में दे रखे टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप, साइमन गोज, नेचुरल साइमन टाइप गोज। अगला लिस्ट टू में दे रखा है स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप गेज अडॉप्टेड इन इंडिया बी और सेकंड गिव्स इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, गिव्स मास्कर ऑफ रेनफॉल, नॉन रिकॉर्डिंग गोज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा टिपिंग बकेट टाइप है, टिपिंग बकेट टाइप ये क्या देता है दोस्तों? ये हमें देता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? ये हमारा ये का हुआ। अगला है हमारा वेइंग बकेट टाइप, दोस्तों ये क्या देता है? ये हमें देता है मास्कर और रेनफॉल। तो हम लिख सकते हैं भाई ये हमारा रिलेट करता है किससे? बी से। अब जैसा कि हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन बी और डी या बी हमारे इससे करेक्ट हो सकते हैं। सी हमारा साइमन गेज। तो जैसे कि हम जानते हैं साइमन गोज कैसा है दोस्तों? ये हमारा नॉन रिकॉर्डिंग गोज है। साइमन गोज कैसा? हमारा नॉन रिकॉर्डिंग गोज। ठीक है, हो जाएगा दोस्तों तो हम देख सकते हैं हमारा सी होने वाला है। जब अब और बचा होता है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा डी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं किसमें मैच करें, हमारे मैच करें ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बात अगला क्वेश्चन जो कि है, इफ ई डब्ल्यू एंड ई ए आर द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सरफेस एंड एयर रिस्पेक्टिवली, द डाल्टन लॉ ऑफ इवेपोरेशन ई एल इन द यूनिट टाइम इज गिवन बाय ई एल इक्वल्स टू? तो ये क्या है दोस्तों? ये तो एक फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए, और इसका आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी के इंटू ई डब्ल्यू माइनस ई ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, द एवरेज पेन कोफिशियंट ऑफ द स्टैंडर्ड यूएस वेदर ब्यूरो क्लास ए पेन। तो क्लास ए पेन के लिए हमारा पेन कोफिशियंट क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा 0.70। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अ कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैज एन एवरेज सरफेस विड्थ ऑफ 15 मीटर, इफ द इवेपोरेशन मेजर्ड इन क्लास ए पेन इज 0.5 सेंटीमीटर पर डे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन अ मंथ ऑफ 30 डेज इन मीटर क्यूब।
हमें कैनाल दे रखी है, बोला गया कि भाई वो 80 किलोमीटर लंबी है, विड्थ उसकी 15 मीटर है, क्लास ए पेन है, और जो हमें इवेपोरेशन मेजर किया है वो किसने किया है 0.5 सेंटीमीटर पर डे में। तो हमें बताना है वाटर इवेपोरेट कितना हुआ 30 दिन में, किसने, मीटर क्यूब में। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन अ डे। हमें ये जो हमें पहले क्या दे रखा था, लेंथ दे रखी थी किसमें, किलोमीटर में, तो उसे हमने चेंज किसमें कर लिया, मीटर में। तो 80 × 10³ × 15, विड्थ दे रखी थी हमें × 0.5 × 10²⁻²। ये दोस्तों क्या है, ये हमारा था एवेपोरेशन, इवेपोरेशन पर डे, जिसकी वैल्यू हमें किसमें दे रखी थी, सेंटीमीटर पर डे में। तो इसे भी हमने किसमें चेंज कर लिया, मीटर पर डे में। तो हमें क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन अ डे, जो कि हमारा कितना हुआ, 6000 m³। हम जानते हैं पेन कॉन्स्टेंट हमारा क्लास ए के लिए कितना होता है, 0.7, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन अ मंथ, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 6000। जो हमारा वॉल्यूम, पहले हमने देखा कि भाई एक दिन में कितना वाटर इवेपोरेट होता है, वो होता है हमारा 6000। फिर हमें कितने दिन के लिए निकालना है, 30 दिन के लिए। इसमें 0.7 क्या है दोस्तों, हमारा पेन कोफिशियंट है किसका, क्लास ए पेन का। जब सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 1,26,000 m³। और जैसा कि हम देख सकते हैं 1,26,000, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है द ISI स्टैंडर्ड पेन इवेपोरीमीटर इज, ऑप्शन नंबर ए सेम एज द यूएस क्लास ए पेन, ऑप्शन नंबर बी हैज एन एवरेज पेन कोफिशियंट ऑफ वैल्यू ऑफ 0.60, ऑप्शन नंबर सी हैज लेस इवेपोरेशन देन अ यूएस क्लास ए पेन, ऑप्शन नंबर डी हैज मोर इवेपोरेशन देन ए यूएस क्लास ए पेन। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हैज लेस इवेपोरेशन देन ए यूएस क्लास ए पेन। अब आता है अगला क्वेश्चन, द ISI स्टैंडर्ड पेन इवेपोरीमीटर इज, दोस्तों ये तो हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, द केमिकल दैट इज फाउंड टू बी मोस्ट सुटेबल एज वेटर वाटर इवेपोरेशन इनहिबिटर इज, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, स्टाइल एल्कोहल या ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टाइल एल्कोहल। ठीक, अगला क्वेश्चन, विंड स्पीड इज मेजर्ड विद, विंड स्पीड हमारी किस डिवाइस से मेजर्ड होती है, उसका नाम होता है हमारा एनीमीटर, एनीमोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, इवेपो ट्रांसपोरेशन इज कंफाइंड टू, ऑप्शन नंबर ए डे लाइट और बी नाइट टाइम है, ऑप्शन नंबर सी लैंड सर्फेस ओनली, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नन ऑफ दीज। ठीक, बात अगला क्वेश्चन, जो कि है इंटरसेप्शन लॉसेज बताने हमें कौन से होते हैं, ए इंक्लूड इवेपोरेशन थ्रू फ्लो एंड स्टैम फ्लो, ऑप्शन नंबर बी कंसिस्ट ऑफ ओनली इवेपोरेशन लॉस, ऑप्शन नंबर सी इंक्लूड्स इवेपोरेशन एंड ट्रांसपोरेशन लॉसेज, ऑप्शन नंबर डी कंसिस्ट ऑफ ओनली स्टैम फ्लो। तो इंटरसेप्शन लॉस में हम कौन से लेते हैं, सिर्फ इवेपोरेशन लॉस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, फॉर अ गिवन बेसन इन अ गिवन पीरियड पी इक्वल्स टू प्रेसिपिटेशन इक्वल्स टू वेपो ट्रांसपोरेशन आर इक्वल्स टू टोटल रन ऑफ एंड डेल्टा एस इक्वल्स टू इंक्रीज इन द स्टोरेज ऑफ वाटर इन द बेसन द हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन स्टेट्स। आपको हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन पता हो तो आप उसको तुरंत कर देंगे, और जो कि होती है हमारी पी इक्वल टू आर प्लस ई प्लस डेल्टा एस, जो कि हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बात अगला क्वेश्चन, जो कि है दी ISI स्टैंडर्ड पेन इवेपोरीमीटर इज द सेम एज द यूएस क्लास ए इवेपोरेशन पेन, बी हैज अ पेन कोफिशिएंट व्हिच इज अबाउट 14% लेस देन यूएस क्लास ए पेन, ऑप्शन नंबर सी has a pen coefficient which is about 14% more than US class A pen, option number D is a sunken pen। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों हमारा सी, जो कि है has a pen coefficient which is about 14% more than the US class A pen। ठीक, अगला क्वेश्चन, under identical conditions evaporation from sea water is, option number A about 2 to 3% less than that from fresh water, option number B the same as that from fresh water, option number C about 2 to 3% more than that from fresh water, option number D 8 to 9% more than that of fresh water। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अबाउट 2 to 3% लेस देन दैट फ्रॉम फ्रेश वाटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, द एनुअल पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपोरेशन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ आर कंट्री लाइज इन द रेंज ऑफ,
ए 142 180 सेंटीमीटर, बी 200 to 250 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर सी 100 to 140 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 250 to 300 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो कि है 140 to 180 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, इन एस्टिमेटिंग द मैक्सिमम फ्लड्स फॉर अ डिजाइन पर्पसेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर डाटा द फाई इंडेक्स इज यूजली अज्यूम्ड एज 0.1 सेंटीमीटर पर आर। क्या दोस्तों, क्या आंसर इसका 0.1 सेंटीमीटर पर आर जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पेनमैन्स इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए एनर्जी बजटिंग ओनली, बी एनर्जी बजटिंग एंड वाटर बजटिंग, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी बजटिंग इन मास ट्रांसफर, या ऑप्शन नंबर डी वाटर बजटिंग इन मास ट्रांसफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो कि है एनर्जी बजटिंग एंड मास ट्रांसफर। और अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स इज कम्पेयर टू फाई इंडेक्स इज लेस मोर इक्वल एन वन ऑफ दीज। तो इस केस में याद रखिएगा डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा ही कम होती है किससे, फाई इंडेक्स से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इमल्शंस, ऑप्शन नंबर और हमें बोल रखा है मिथाइल एल्कोहल, सिटाइल एल्कोहल, सिटराइल एल्कोहल या कैरोसिन। हमें चार चीजें दे रखी हैं केमिकल इमल्शंस, हमें पता है, पूछा गया है विच ऑफ द अबव केमिकल इमल्शंस इज आर यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। लॉस ऑफ वाटर कम करने के लिए एवेपोरेशन प्रोसेस में हम कौन सा केमिकल इमल्शंस यूज कर सकते हैं, तो याद रखिएगा उसमें एक हम सिटाइल एल्कोहल यूज कर सकते हैं और एक स्टराइल एल्कोहल यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि हम देख सकते हैं ये दोनों हमारे किस में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट वन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।